Pod. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और हम आए हुए हैं खेत में, और यह है गुन्नू, यह है उसके पापा। और गुन्नू के पापा आते ही जितनी भी झाड़ी थी उसको जलाने लग गए थे। हमने गैत और काली दाल बोई थी जो कि आजकल अच्छी हो रखी है, और हमने निराई कर दी है इसकी। हम नीचे जाएंगे, ये देखो कितनी प्यारी हो रखी है गैत। अब देखते हैं कितना मिलता है गैत हमको। और अब हम नीचे वाले खेत में चले गए हैं, और वहाँ हम अपने काम जोरों शोरों से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता तो होगा ही, जब हम खेतों के काम करते हैं तो इतने पसीने छूटते हैं, मतलब ऐसा है कि जिम के पैसे पूरी तरह से बच जाते हैं, और फिर एक फंड के हमको सब्जी भी मिल जाएगी। और इससे तात्पर्य है कि एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, एक तो हमको फिट भी हो जाएंगे, और सेकंड है कि हमको ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए और हमारे बच्चों के शरीर के लिए। और यहाँ देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और ये डॉगी है वो यहाँ कीड़े खाने आ रहा है। जब से हमने खेत खोदना स्टार्ट किया ये यहाँ हमेशा पहुँच जाता है। और मैं आपको यहाँ का व्यू बताती हूँ। और ये हमारा बनाना ट्री देख, और वो अरे बो दिया है इन्होंने। हाँ जी बोलो। हाँ तो मल बोई, इन्होंने नहीं बोया, वो नेपाली रहती है, उन्होंने बोला बोया है यहाँ, क्योंकि वो हमारे घोड़े चराते हैं तो। और यहाँ लौकी और कद्दू बहुत सारे लग रखे हैं, जिसको चाहिए तो लेने आ जाना। और उधर तो हमने गैत बो दिया है, इधर हम खोद रहे हैं, अब धीरे धीरे खोदा जाएगा। और वो वहाँ की बिक्री के लिए हैं, वो बेच रही हैं नेपाली, जिसको चाहिए होगा तो खरीद लेना। यहाँ देखो कितने सारे हो रखे कद्दू, लौकी, तोमड़ी। आपका अरे गुन्नू हाय कह रही, हाय गाइस बोल। ए लसी भी बड़ा बड़ा लोग आओ। ये हमारा संतरे का पेड़, ये है कद्दू की झील और उसके फूल, ये है उनके मिर्च। और यहाँ पे कद्दू की झील है, और कद्दू चोर जा रखे हैं वहाँ कद्दू चोरने के लिए। पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मगर एक कद्दू चोर कद गया, एक कद्दू चोर है गाड़ दे मम्मी के दियो। ये नथो ठुल हमारे आज देव कमल की सब्जी है, हमारी नौकी की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, वो कद्दू की सब्जी है नौकी की। मैं ना कद्दू का भोप पर आज हम यो लो की गाने था मम्मी का सब खराब हो गया, कद्दू तो मिला नहीं। ए यो लो की तो थी, हाँ जीन तो नहीं जीन लीजिए सॉरी तो ना तो। और अरे ये लौकी चोर ने लौकी चोर दिया है, झील भी पहाड़े ने भी चुगले चोर चोरी कर ली था, लौकी चोर दिया सॉरी तो नहीं। और ये दिखा तो लौकी चोर गुन्नू रावत, हमने एक लौकी चोर दिया है। इधर गिर गए थे, चलो 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 पापा हो गया बोला पापा। हाथ पाँव, हाथ पाँव धुलेंगे, यहाँ पे पानी आ रहा है। और ये है हमारे घोड़े का अस्तबल, यहाँ पर रहते हैं नेपाली लोग जो घोड़े चराते हैं। और ये भी उन्हीं को दे रखे है ससुर जी ने। देख केले का पेड़ उधर पे भी है, और ये धुल रहे हैं हाथ पांव। आज तो खा
खाली हमने खोदा है, मगर कल तक हम बुआई कर देंगे। आज शाम को आके हमको पूरा जलाना पड़ेगा। मुँह हाथ धुलने के बाद हम घर के जाने लग गए हैं। गुन्नो और गुन्नो के पापा आगे से लकड़ी की काठी कटे। और अब हम अपने पुल में आ गए हैं जो मैठा और सैकोट को जोड़ता है, और गुन्नो और गुन्नो के पापा दौड़ रही हैं। और अभी बज चुके हैं शाम के 4 और फिर से हम खेत में आ चुके हैं। और आज मैं घास काटूंगी क्योंकि यहाँ पर घास भी है, तो बोने से पहले हम घास काटेंगे जिससे कि घोड़ों का खाना भी हो जाए। इतना सारा घास काट दिया, उधर भी काटा हुआ है और यहाँ पर भी काट दिया है, और अभी तो काटना है कुछ कुछ घास। और मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं मेरे साथ, जो कि यहाँ का जितना भी कूड़ा है वो जला रहे हैं, देखो आप। और उन्होंने पूरा इकट्ठा करके जला दिया है जिससे कि हम आसानी से खुदाई कर सकें। और आप बताना कि ये फूल कौन से वेजिटेबल्स का है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।